हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिर्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट ऑफ क्लास फिफ्थ टीवियस चैप्टर हुज फॉरेस्ट्स ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इनफैक्ट तीन वीडियोज इसकी बनी थी जो एक्सप्लेनेशन की है क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर था काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो है आदिवासी जो हैं वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं कैसे लॉज डिफरेंट लॉज बने जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है फॉरेस्ट से उनको निकाला जा रहा है वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ जूम कल्टिवेशन के बारे में पढ़ा तो फार्मिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है अब वक्त है टाइम है उन क्वेश्चन को करने का जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो होती है वो आपकी वर्कशीट की ही होती है जहाँ पर चैप्टर आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी होती है एच एक्सप्लेनेशन तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही क्विज में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती लेकिन वर्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसके बाद क्विज भी आएगी तो उसको आप मिस ना करें उसके लिए जरूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर टैप कर दीजिए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ओके लेट्स बेगेन नाउ चैप्टर ट्वेंटी हूज फॉरेस्ट पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं जो कि इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टू विच कम्युनिटी डिट सूर्यमणि बिलोंग सूर्यमणि किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी कुड़ुक भील बायगा या फिर खासिस तो वो बिलोंग करती थी कुड़ुक कम्युनिटी से ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट है सूर्यमणि वॉज असोसिएटेड विद विच मूवमेंट सूर्यमणि जो थी वो किस मोमेंट के साथ एसोसिएटेड थी चिपको झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन एपिको आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन तो वो एसोसिएटेड थे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन और वो कब थी इसके साथ जब वो कॉलेज में थी अपने टू विच स्टेट डिट सूर्यमनी बिलोंग सूर्यमनी किस स्टेट से बिलोंग करती थी छत्तीसगढ़ से वो बिलोंग करती थी छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर कैपिटल भी आप साथ साथ याद रखते चलो और मैप uh, में कहाँ है ये तो हम आपको दिखाई चुके हैं वॉट वॉज द मीन ऑफ सूर्य मनी सेंटर वॉट वॉज द नेम सूर्यमनी के सेंटर का क्या नाम था कुड़ुक तोरंग जंगल बचाओ चेराव तो उसके जो सेंटर था उसका नाम था तोरंग तोरंग का मतलब कुड़ुक लैंग्वेज में होता है जंगल इन मिजोरम हाउ मच ऑफ पीपल आर लिंक्ड टू फॉरेस्ट मिजोरम में कितने लोग फॉरेस्ट से लिंक्ड है ऐसा आपको लास्ट में बताया हुआ है और उसमें कहा हुआ है थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ पीपल जो है वो लिंक्ड है फॉरेस्ट से यहाँ पर परसेंटेज में पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए थ्री फोर्थ आप जानते हैं थ्री बाई फोर और अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल फोर टू जर एट फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री फाइव ऑप्शन आपका डी करेक्ट है में सेवेंटी फाइव पीपल मिजोरम में फॉरेस्ट से रिलेटेड है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आगे ट्रू फॉल्स आपके द स्कूल इन बिशनपुर वॉज नियर थिक फॉरेस्ट एबसोल्यूटली ट्रू बिल्कुल सही बात है फॉरेस्ट के पास में ही था स्कूल सूर्यमणि सूर्यमणिटी वन वेन शी ओपन हर सेंटर तोरंग ये गलत है वो इक्कीस साल की थी जब उन्होंने अपना सेंटर खोला मिजोरम इज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया नहीं कोस्टल एरिया में नहीं है कोस्टल एरिया मैंने आपको बताया था ये जो इंडिया है इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है जिसके दोनों तरफ सी uh, है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं तो कोस्टल एरिया में नहीं है मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इन जूम फार्मिंग डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन द सेम फार्म जूम फार्मिंग में अलग अलग क्रॉप्स आप सेम फार्म पर उगा सकते हैं एब्सोलूटली ट्रू नेक्स्ट इज इन मिजोरम वेरी फ्यू चिल्ड्रन गो टू स्कूल मिजोरम में बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं दिस इज फॉल्स लास्ट में आपको बताया हुआ है कि फार्मिंग से पर फॉरेस्ट पर इतने लोग डिपेंडेंट है उसके बाद भी बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं आपको एक पिक्चर भी दी हुई है अगर आपको याद हो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एवरी डैश सूर्यमणि टेक चिल्ड्रन टू स्कूल चिल्ड्रन टू फॉरेस्ट हर संडे को सूर्यमणि बच्चों को कहाँ लेके जाती थी फॉरेस्ट में टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग अ बुक जितना ज़रूरी बुक को रीड करना है उतना ही जरूरी फॉरेस्ट को रीड करना भी है आगे आते हैं नेक्स्ट इज सूर्यमणि पास्ट हर डैश आफ्टर गेटिंग अ डैश सूर्यमणि पास्ट हर बी ए उन्होंने पास की थी उसके लिए उन्हें क्या मिली थी और स्कॉलरशिप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप एंड बी ए तोरंग मीन्स जंगल इन कुड़ुक लैंग्वेज कुडुक लैंग्वेज में तोरंग का मतलब जंगल होता है कुडुक इनकी कम्युनिटी का नाम भी था इनकी लैंग्वेज का नाम भी था ऐश मेक द लैंड फर्टाइल Ash मतलब होता है राख उसकी वजह से क्या होती है लैंड की फर्टिलिटी आती है उपजाऊ बनती है वो द मेन क्रॉप ऑफ जूम फार्मिंग इज जूम फार्मिंग की मेन क्रॉप थी राइस नेक्स्ट इज द लाइफ आर क्लोजली रिलेटेड लिंक्ड टू फॉरेस्ट आदिवासी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है आदिवासी किससे जंगल से इन कुडुक लैंग्वेज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कुडुक लैंग्वेज में फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है तोरंग कहा जाता है इन्हें और ये उनके सेंटर का नाम भी था सूर्यमणि के सूर्यमणि ओपन द सेंटर नेम्ड तोरंग फिर से वही आएगा तोरंग सेंटर का नाम था जैसे बताया कुड़ुक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो कहती थी कि अपने कल्चर को म्यूजिक को अपना जो पहनावा है उसको नहीं भूलना है आपको सूर्यमणि ओके दिस वी हैव डन अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट टू के अनुसार पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट कितने साल एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स कम से कम 25 साल से जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनका अधिकार है फॉरेस्ट की जमीन पर और जो फॉरेस्ट से चीजें मिलती हैं उन पर सूर्यमणि ज्वाइन डैश टू सेव फॉरेस्ट ऑफ झारखंड सूर्यमणि ने एक आंदोलन को ज्वाइन किया था वहाँ के फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको आपको सर्कल करना है कि नीचे जो नाम दिए से कौन से आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं ओके okay, चलिए टिम्बर लकड़ी होती है जिसका कि फर्नीचर बनता है बहुत मजबूत यस डेफिनेटली मिलता है कॉइन्स नहीं मिलते फॉरेस्ट से मिल दूध नहीं मिलता ये एनिमल प्रोडक्ट है प्लास्टिक नहीं मिलती पेपर मिलता है जो पेड़ है उसी से ही बनाया जाता है बैम्बू मिलता है यस yes, वुल नहीं मिलती हर्ब्स मिलती हैं कॉटन मिलती है वैक्स मिलता है नो नॉट वैक्स स्पाइसिस स्पाइस स्पीशीज लिखा हुआ है ओके okay, स्पाइसेस मिलते हैं आई हटा दीजिए नेक्स्ट इज पॉलीथीन नहीं मिलती मेडिसिन मिलती है ओके okay? तो ये कुछ चीज़ें जो कि डायरेक्ट आप कह लीजिए फॉरेस्ट से फॉरेस्ट का प्रोडक्ट को यूज़ करके बनाई जैसे पेपर हमें जंगल से तो नहीं मिलता लेकिन उन्हीं को ही यूज करके बनाया जाता है ओके नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं वाई कुड द वाई कुड द आदिवासी इज नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टर केम कॉन्ट्रैक्टर के आने के बाद आदिवासीज फॉरेस्ट से कुछ भी क्यों नहीं ले सकते थे तो रीजन इज बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर था द कॉन्ट्रैक्टर गॉट अ राइट टू कट कॉन्ट्रैक्टर गॉट राइट टू कट ट्रीज उसे अधिकार मिल गया था अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया गवर्नमेंट ने दिया किसने दिया ये तो वी डोंट नो लेकिन उसको वो पेड़ वहां पर कट करता था उसको मार्केट में बेचता था कोई और उनको यूज ना कर ले इसलिए उन्होंने लोगों को मना कर दिया इसलिए जो आदिवासी थे वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते थे वाई डिट सूर्यमणि इज फादर मूव टू द टाउन सूर्यमणि के फादर गए थे टाउन में इन सर्च ऑफ वर्क तो आप लिखेंगे सूर्यमनी इज़ फादर मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क काम की तलाश में क्योंकि आप जानते हैं जो फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया था उनको जो एक्स्ट्रा कमाई होती थी मां से वो बंद हो गई थी और फार्मिंग की लैंड उनके पास इतनी नहीं थी कि वो काम चला सके कई बार उनको खाना भी नहीं मिलता था इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी वाई डिड सूर्यमनी चाचा हेल्प देम हाउ डिड कैसे सूर्यमणि के चाचा ने हेल्प की उनकी बाई सेंडिंग ग्रेन्स उनको अनाज भेजा सेंडिंग ग्रेन्स उनकी छोटी सी दुकान थी उनके चाचा की उससे वो उनको अनाज भेजते थे प्लस उन्होंने जो सूर्यमनी है उनको स्कूल में एडमिशन भी कराया था वाई डिट सूर्यमनी नोट वॉन्ट टू स्टडी इन स्कूल इन बिलासपुर इन द बिगिनिंग शुरू में सूर्यमनी पढ़ना नहीं चाहती थी बिलासपुर के जो स्कूल है वहां पर क्योंकि शी बिकॉज शी डेंट वॉन्ट टू लिव टू लीव हर विलेज वो अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहती थी उसको लगता था कि यहाँ पर फॉरेस्टेज से हमारा काम चल जाएगा दैट इज़ वाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डेड सूर्यमनी सूर्यमनी चाचा वेंट वॉन्ट सूर्यमनी टू स्टडी इन द स्कूल इन बिलासपुर सूर्यमनी के जो चाचा थे वो क्यों चाहते थे कि सूर्यमनी uh, जो है वो बिलास uh, बिशनपुर के स्कूल में पढ़े उन्होंने बताया था कि वेन शी वेन शी विल स्टडी जब वो पढ़ेगी सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड दैट शी कैन अंडरस्टैंड द लॉ बेटर वो समझ सके कानून को अच्छे से और फिर लोगों की हेल्प कर सके क्योंकि तभी आप कुछ समझेंगे तभी तो आप किसी की मदद कर पाएंगे ना लॉज को अच्छे से समझें देन ओनली शी कैन हेल्प टू सेव फॉरेस्ट एंड हेल्प टू सेव फॉरेस्ट जो कि किया भी सूर्यमणि ने बाद में Why did Suryamani filled with joy later on when she saw the school at Bishanpur? Uh, Bishanpur में जब उसने Bishanpur में school देखा तो Suryamani बहुत खुश हो गई क्यों क्योंकि there was a thick forest near. There was, it was आप लिख सकते हैं it was near a thick forest. जो school था वो एक thick forest के पास में था इसलिए वो खुश हो गई कि चलो forest से उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा Next is what is Girl Start Project? Important question. गर्ल्स टार प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट uh, है जो कि विच टेल्स गर्ल्स स्टार प्रोजेक्ट टेल्स जो कि बताता है टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स साधारण लड़कियों की कुछ कहानियां बताता है हु हैव चेंज्ड देयर लाइव्स ये मैं पूरा लिखवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल आपको आपके राइट्स के बारे में तभी पता लगता है जब आप स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो बहुत साधारण थी स्कूल जाकर उन्होंने अपनी लाइफ बदल दी तो उनके बारे में प्रोजेक्ट चला गया उनकी कहानी बताने के बारे में जिनको गर्ल स्टार कहा गया और ये जो आपकी कहानी है सूर्यमणि की गर्ल स्टार से ही ली गई है ओके वायर फॉरेस्ट ड्वेलर नोन एज आदिवासीज जंगल में जो लोग रहते हैं उनको आदिवासीज क्यों कहते हैं बिकॉज दे आर लिविंग देयर सिंस लॉन्ग दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट फ्राम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ही लम्बे टाइम से वो वहाँ पर रह रहे हैं नेक्स्ट इज वाई वॉज बुढ़िया माई नॉट स्केयर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर वाइट वाई डिज शी से द फॉरेस्ट इज़ आर कलेक्टिव बैंक क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा था कि हमारा कलेक्टिव बैंक है बिकॉज इट इज़ द फॉरेस्ट डज नॉट बिलोंग टू एनी वन फॉरेस्ट जो थे वो किसी एक से बिलोंग नहीं करते थे बिलोंग टू एनी वन बट एनी वन बट द कम्युनिटी एज अ होल वो पूरी जो कम्युनिटी थी उनकी उससे बिलोंग करते थे इसलिए उसने कहा कि ये हम सबका कलेक्टिव बैंक है मिला जुला एक बैंक है किसी एक का नहीं है हु वॉज वैसवी दीदी वास वासावी दीदी ये जर्नलिस्ट थी जो कि सूर्यमणि को उनके कॉलेज के टाइम पर मिली थी जर्नलिस्ट जिनके साथ इन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था बिजॉय जोय इनका चाइल्डहुड फ्रेंड था बचपन का दोस्त था जिनसे बाद में इनकी शादी भी हुई थी नेक्स्ट इज मिर्ची मिर्ची वो फ्रेंड थी हु वुड लिसन इसको भी फ्रेंड ही लिख सकते हैं आप अ फ्रेंड जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी विद होम बस इतना ही लिख लीजिए चलिए अ फ्रेंड ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये पिक्चर आपकी बुक की ही है बच्चे जा रहे हैं एक डंडे के ऊपर कुछ सामान लेकर वेर आर द चिल्ड्रन गोइंग इन द पिक्चर टू द फॉरेस्ट ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं जंगल में जा रहे हैं इन विच लैंग्वेज दे स्पीक किस लैंग्वेज में वो बोलते हैं ये बोलते हैं कुड़ुक लैंग्वेज में कुड़ूक कम्युनिटी के ही लोग हैं नेक्स्ट इज वॉट डू दे डू इन द फॉरेस्ट जंगल में जाके क्या करते हैं आपको शुरू में ही बताया गया था कि आपको पता लगेगा तो आप भी जाना चाहेंगे जंगल में दे मोव अराउंड चारों तरफ घूमते हैं एंड uh, ये जानते हैं नो अबाउट लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स उनको इमिटेट करते लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स उनके बारे में जानते हैं हब्स के बारे में जानते हैं जो उनकी दीदी उनको बताती है कि कौन सी हब्स कैसे उसको वो करना है बास्केट्स कैसे बनाते हैं डिफरेंट वर्क भी जानते हैं दे जंप uh, करते हैं वहाँ पर अगर एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ बताएं रन करते हैं ट्रीज़ को क्लाइम करते हैं क्लाइम ट्रीज़ गाने गाते हैं सिंग सॉन्ग्स अपनी लैंग्वेज में पिक करते हैं गिरे हुए जो फॉलन uh, फ्लावर्स और जो फ्लावर्स uh, और लीव्स जो होती हैं एंड लीव्स एंजॉय करते हैं फ्रूट्स को जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं जंगली जो फल होते हैं उनको तो ये सारे काम ये बच्चे वहाँ पर जाकर करते हैं चारों तरफ घूमना अलग अलग एनिमल्स और हब्स के बारे में जानना जंप करना रन करना दौड़ना पेड़ पर चढ़ना पत्तियां इकट्ठा करना एनॉल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉटरी सिस्टम इन द फार्मिंग फॉलोड इन मिजोरम मिजोरम में लॉटरी सिस्टम होता है यह हमने जाना कि गांव में जो जमीन है वो किसी एक की नहीं होती गाँव की होती है पूरे की हर साल उसको बांटा जाता है जिसमें नाम की चिट्स एक बैम्बू बास्केट में होती है फिर उसमें से उठाया जाता है जिसका नाम आया वो पहले चूज करता है तो पहला क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड ये हमने जो ऊपर पढ़ा ये Uh, सूर्यमणि का जो स्टोरी uh, थी ये स्टोरी थी स्टेट ऑफ झारखंड की ओके okay. अब हम आते हैं मिजोरम पे हाउ इज लैंड लोकेटेड इन टू विलेज पीपल फॉर फार्मिंग फार्मिंग के लिए लोगों को लैंड कैसे दी जाती है so, वो दी जाती है बाई लॉटरी मेथड लॉटरी निकलती है जिसके नाम की लॉटरी निकलेगी उसे ही लैंड मिलेगी हु अलॉट्स दीज लैंड इन लैंड को कौन अलॉट करता है तो ग्राम पंचायत करती है जैसे कि हमने देखा था उनका जो टीचर था वो जल्दी घर उसको जाना था क्योंकि आज पंचायत जो वो है लैंड उसको अलॉट करने वाली थी वॉट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लैंड लैंड को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी वहां पर तो वो थी टिन ये मैंने कहा भी था इंपॉर्टेंट है लैंड किस में मेजर की जाती थी टिन में मुझे तीन टिन लैंड दे दो, दो टिन लैंड दे दो ऐसे चलता था और टिन क्या होता है द लैंड ऑन विच वाइट इज कॉल्ड सो का आंसर है ये On which we grow one tin of seed, एक टिन सीड जितने में उग जाएंगे उसको वन टिन लैंड कहा जाता था ओके तीन टिन मतलब तीन टिन लैंड जहाँ पर उगाए जा सके उतनी लैंड दे दो मुझे सिर्फ वो फिर देख के देते थे कहाँ पर तीन टिन आ जाएगा ओके okay? तो टिन में मेजर होती है लैंड कहाँ पर मिजोरम में स्टेट का नाम जरूर याद रखना दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखना और क्यों उसको ना टिन नाम दिया गया तो ये दो तीन क्वेश्चन है आपके मिजोरम से रिलेटेड अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है जूम पहला क्वेश्चन है हाउ इज जूम फार्मिंग डन जूम फार्मिंग कैसे की जाती है इजी तरीका बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे स्टेप वाइज लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्रॉप इज ग्रॉन एक क्रॉप वहां पे उगाई जाती है उसके बाद लीव द लैंड लीव द लैंड फॉर सम ईयर्स कुछ सालों के लिए लैंड को जो है छोड़ दिया जाता है लेट जो वहाँ पर uh, वीड और बैम्बू जो है उनको ग्रो होने दिया जाता है बाँस उग रहा है घास उग रही है ग्रो ग्रो करने दीजिए उनको उसके बाद उन सबको क्या करते हैं कट द वीड्स एंड बोर्न उसको काटिए और क्या कर दीजिए जला दीजिए जला के कहीं लेके नहीं जाना है जो ऐश होती है वो उसी लैंड में मिक्स हो जाती है ये लिख दीजिए एश गॉट मिक्स्ड इन लैंड और उसकी फर्टिलिटी बन जाती है और फिर से हम क्या करेंगे ग्रो अनदर क्रॉप वहाँ पर दूसरी क्रॉप उगा ली जाती है इसका एक और नाम है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देती हूँ उसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं ओके okay? जैसे कि उनको काट के और जलाया जाता है वैसी खेती पहले एक अपनी फसल उगाई उसके बाद उसको उसको छोड़ दिया काट के ज़मीन को ऐसे ही अपनी फसल लेके आप चले गए कहीं और फिर वहाँ पर खूब सारा घास उग गया फिर वापस आए उनको काटा जला दिया ऐश उसमें मिक्स हो गई आपकी लैंड ला, फिर से फर्टाइल हो गई फिर से क्रॉप उगा लीजिए और जूम कल्टीवेशन में एक नहीं एक साथ बहुत सारी फसलें उगाई जाती है आगे हाउ इज लैंड मेड सॉरी वेयर बी आई क्वेश्चन कहाँ पर ये की जाती है तो ये की जाती है हिली एरियाज़ में क्योंकि आप देखेंगे प्लेन में तो इतना वो नहीं होता जमीन नहीं होती हिली एरियाज़ में लोग कम है और अगर आपको एक स्टेट का नाम पूछा जाए तो मिजोरम दे दीजिएगा मिजोरम स्टेट में ये खेती होती है स्लाशन बॉर्न या फिर जूम हाउ इज द लैंड मेड फर्टाइल इन जूम कल्टिवेशन जूम कल्टिवेशन में लैंड को फर्टाइल उपजाऊ कैसे बनाया जाता है बाय मिक्सिंग द एश ऑफ वीड्स वीड्स की जो एश है वो उसके साथ लैंड के साथ मिक्स करके आप जानते हैं राख वैसे भी डाली जाती है पौधों के ऊपर ताकि उसकी जो एक तो उसमें इंसेक्ट नहीं लगते और फर्टिलिटी भी बनी रहती है ओके थर्ड क्वेश्चन इज वाइल्ड बर्निंग बैम्बू और वीड वॉट केयर शुड बी टेकन क्या हमें सावधानी रखनी है कि जब आप और वीड को जला रहे हैं दैट फायर जो आग आपने लगाई है वहाँ पर वो क्या ना हो डज़ नॉट स्प्रेड स्प्रेड मतलब होता है फैलना वो फैले ना टू अदर पार्ट ऑफ़ फॉरेस्ट क्योंकि आप जंगल में ये कर रहे हैं ऑफ़ फॉरेस्ट क्योंकि जंगल में आग लगती है तो बहुत भारी नुकसान होता है उसको फिर काबू करना भी कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है जब जलाते हैं आप ऐसा नहीं जला के छोड़ के चले गए वहीं पर रहना है ध्यान रखना कि कहीं आग फैले ना ओके हाउ ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती है तो कुछ क्रॉप्स के नाम आपको एनसीईआरटी में दिए हैं मेज़ मक्का उगाया जाता है वेजिटेबल उगाया जाता है एंड चिलीज़ उगाई जाती है और मेनली क्या उगाया जाता है राइस राइस वहाँ की मेन फसल है अगर पूछा जाए आपसे मिजोरम में राइस मेज़ वेजिटेबल्स चिलीज़ उगाई जाती है स्लैश एंड बर्न जूम कल्टिवेशन में तो ये दो तीन क्वेश्चन आपके जूम से इंपॉर्टेंट है क्या ध्यान रखना है कैसे होती है कैसे फर्टिलिटी आती है और कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है लास्ट एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन important, विच इज देयर स्पेशल डांस क्या स्पेशल डांस है वहाँ का स्पेशल डांस का नाम है चेराव याद रखना जो कि मिजोरम में डांस होता है फसल के कटने के बाद हमने देखा कि रोड नहीं है लोग राइस की फसल कमर पे लेके आते हैं और कई उसको उनको दिन लग जाते हैं घर तक उसको लाने में तो जब घर पे पूरी फसल आ जाती है डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है लोग खुशियाँ मनाते हैं चेराव डांस करते हैं साथ में बनाते हैं खाते हैं और चेराव कैसे किया जाता है हाउ इट इज कैरिड आउट टू पीपल जो है वो बैठते हैं सिट फेसिंग ईच अदर एक दूसरे को फेस करते हुए ईच अदर और उनके हाथ में क्या होता है बैम्बू होता है उसको वो क्या करते हैं दे बीट ड्रम बीट पर बैम्बूज़ को बीट किया जाता है बीट बैम्बूज ऑन ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर ऑन ग्राउंड जिनके बीच में ग्राउंड एंड पीपल डांस बिटवीन बैम्बूज वो लोग जो है उन बैंबूज़ के बीच में जो वो ग्राउंड पे पटकते हैं उसके बीच में डांस करते हैं केवी में मैंने जनरली देखा भी है साउथ नॉर्थ इंडिया के डांस आपके जो सोशल साइंस फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर बच्चे करते रहते हैं पीपल डांस बिटवीन बैम्बूज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट को काटने को अफॉरेस्टेशन इसका मतलब है प्लांटिंग मोर ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट में और ज़्यादा पेड़ लगाना मैंने कहा था दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है अब फॉरेस्टेशन को बढ़ाना है हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है नेम एनी टू थिंग्स मेड अप ऑफ बैम्बू दोनों चीज़ों का जिक्र आपके चैप्टर में हुआ है एक तो बैम्बू की बास्केट जो कि वहाँ पर बनाते बनाते थे छत्तीसगढ़ में और एक कप आपने देखा होगा जो लास्ट में आपको मिजोरम वाली स्टोरी में दिया हुआ है तो बैम्बू एंड कप मोमेंट्स टू सेव फॉरेस्ट फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या मोमेंट एक मोमेंट का नाम आपकी बुक में ही दिया हुआ है दैट इज uh, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जंगल बचाओ आंदोलन ये याद रखना आप इसमें पार्टिसिपेट किया था सूर्यमणि ने भी आंदोलन झारखंड के जंगल जरूर कट रहे होंगे तो वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ uh, आवाज उठाई थी राइट इन ब्रीफ अबाउट उड़ीसा की एक लड़की ने लेटर भी लिखा था वो भी याद रखना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में जो आया था उसके बारे में छोटा सा एक नोट लिखिए ये मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी जनरली पूछा जाता है चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो इस ये कहता है एक्ट पीपल हु हैव बीन लिविंग लोग जो रह रहे हैं इन द फॉरेस्ट जंगल में कितने सालों से फॉरेस्ट आर ई एस टी फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो पच्चीस सालों से वहां पर रह रहे हैं दे हैव राइट उनका अधिकार है ये सरकार ने कहा है कि आप उनको नहीं निकाल सकते कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आके कहीं जंगल में मताना है ऐसा नहीं होगा दे हैव राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड वहां की जमीन पर एंड प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट के ऊपर ये डेफिनेशन है पॉज कर लीजिए दोबारा से पढ़ लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए लिख लीजिए पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स कम से कम पच्चीस साल से जो वहाँ पर रह रहा है उसका पूरा अधिकार है वहाँ की जमीन पर और वहाँ के जो जंगल से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके ऊपर वन वर्ड आंसर जल्दी से करते हैं अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं फील्ड में उनको हम कहते हैं वीड्स मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम मिजोरम की मेन क्रॉप है राइस स्पेशल डांस मिजोरम का ये है शेराव डब्ल्यू द प्रोजेक्ट जिसमें कि एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरीज बताई जाती है लड़कियों की ये है स्टार गर्ल प्रोजेक्ट द कम्युनिटी जिससे कि वो बिलोंग करती थी सूर्यमणि दैट इज कुडुक अब एक क्वेश्चन आपके मैप से पूछा हुआ है ये मैप एनसीआर वाला ही दिया हुआ है Although इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है इससे तीन बनते हैं आपके अब आप मैप आप अपनी बुक से से देख लेना मैं जल्दी से आपको आंसर बता देती हूँ एक नॉर्थ नॉर्दर्न स्टेट के नाम लिखे दो के जिनमें की थिक फॉरेस्ट है सब बहुत ज्यादा घने जंगल है तो एक तो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश और एक सिक्किम हमने दोनों का देखा था दोनों में जो कलर है वो काफी जो है डार्क था सिक्किम हिमाचल प्रदेश सिक्किम दो नॉर्थ इंडिया के स्टेट जिसमें की काफी थिन फॉरेस्ट है कम फॉरेस्ट है ये है नागालैंड नागालैंड और मेघालय मेघालय दो साउथ इंडिया के स्टेट जहां पर की थिक फॉरेस्ट है साउथ इंडिया के स्टेट में थिक फॉरेस्ट थे आई थिंक कर्नाटक गोवा सॉरी नॉट कर्नाटका में नहीं थे गोवा और वैसे तो इसको हम साउथ का नहीं कह सकते लेकिन अगर कह सकते हैं तो आप छत्तीसगढ़ लिख दीजिएगा छत्तीस जी ए आर एच गढ़ गोवा एंड छत्तीसगढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्टेट दैट डज नॉट हैव एनी फॉरेस्ट एक स्टेट का नाम लिखिए जिसमें कि फॉरेस्ट थे ही नहीं आपने देखा होगा आई थिंक uh, हरियाणा में आप लिख सकते हैं हरियाणा यहाँ पर इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के भी थोड़ा सा में है लेकिन हरियाणा में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो ये एक स्टेट लिख दीजिए सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये थे आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होपफुली चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्कशीट के बाद और अब आप सब रेडी होंगे अपनी क्विज़ के लिए सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम